Hi guys, welcome back to Rinki's Angelican. We are doing weekly videos for the week starting from 29th of October to 4th of November. देखते हैं ये हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस आपको मिल रही है. ऑल्सो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कम सब्सक्राइब फॉर द वीकली गाइडेंस. नाउ लेट्स स्टार्ट एज यूजुअल. एरीज, आई एम गोइंग अहेड एंड पुलिंग आउट टू कार्ड्स फॉर यू एरीज. देखते हैं ये हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं. ओके एरीज, द फर्स्ट थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट एरीज इज कोई भी चीज के लिए डेस्परेट नहीं होना है. आई फील यू हैव टू रिलीज, यू हैव टू लेट गो, यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड योर एनर्जीज वेल. जितना ज्यादा आप शायद डेस्परेट हो रहे हो कोई चीज के लिए, उतना ज्यादा वो चीज आपसे दूर होती जा रही है. ये हफ्ते आपको समझना है कि कोई भी चीज के पीछे नहीं पड़ना है. मैं बताऊंगी, इनफैक्ट थोड़ा सा दिमाग ना रिवर्स गियर में डाल दो. ये हफ्ते जो चीज चाहिए उसको थोड़ा सा आप उसे डिटैच हो जाओ ताकि वो आपके पास आए. यू नो देर इज ऑलवेज समथिंग वे वी कॉल कि कई बारी आप जैसे उम्मीद हार जाते हो ना, तब वो चीज आपके पास आती है. इस हफ्ते एरीज बहुत ज्यादा डेस्परेशन लग रही है कोई चीज को लेकर, इतना ज्यादा कि अब आप गिल्ट फील कर रहे हो. अब आपको ऐसा लग रहा है होगा नहीं, आप नेगेटिव हो रहे हो. सो आई फील एरीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ द बाउंड्री, टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर. वाई? बिकॉज यू नीड टू हैव मोर बैलेंस. एरीज अपना बैलेंस ही भूल गए हो. बस मतलब एक चीज में इतना ज्यादा अपना फोकस रखा है कि बाकी एरियाज ना आपकी सैक्रिफाइस करी आपको समझ नहीं आ रहा है. सो एरीज, दिस इज अ टाइम वे यूनिवर्स वांट्स यू टू बैलेंस, वे यूनिवर्स वांट्स यू टू फोकस, वे यूनिवर्स वांट्स यू टू गो स्लो. कोई भी चीज के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट नहीं होना है. आई फील इस चक्कर में ना थोड़ा सा अग्रेशन भी ज्यादा दिख रहा है. आप जितना ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हो उतने ज्यादा आप अग्रेसिव होते जा रहे हो. क्यों? क्योंकि आपकी मनचाही चीज आपको शायद नहीं मिल रही है. एरीज ऐसे लग रहा है कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है. इस चक्कर में सारी अच्छी चीजें इनफैक्ट आपसे दूर होती जा रही है. एरीज इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड गोइंग स्लो विल हेल्प. तो कोई भी चीज के इस पर्टिकुलर हफ्ते घाई नहीं करनी है. कोई भी चीज के लिए डेस्परेट नहीं होना है. बस जैसी चीजें चल रही है उसको बैलेंस करते आपको चलते जाना है. उसको बैलेंस करते आपको अपने एनर्जी को काम डाउन रख के चलते जाना है. उसके बाद जो एनर्जी आई हुई है, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. एंजल्स आपको बोल रहे, द मोमेंट यू आर ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ यू विल रियलाइज हाउ थिंग्स स्टार्ट फ्लोइंग इन द राइट डायरेक्शन फॉर यू. आपको ना शायद अपनी सच्चाई हजम नहीं हो रही है, आपको ना शायद अपनी सच्चाई से घबराहट हो रही है, अपनी सच्चाई से डर लग रहा है, इसलिए आप ना वो चीज को अक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हो. आप वो चीज से भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो. ऐसा है कि मैं अपने अंदर नहीं झांक कर देख सकता इस हफ्ते. सो एरीज, अंडरस्टैंड, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, रियलाइज वॉट यू रियली वॉन्ट इन लाइफ एंड वाई यू वॉन्ट इन लाइफ, एंड यू नो जस्ट डोंट गेट डेस्परेट अबाउट इट. बस आप वो भरोसा रखें यूनिवर्स पे कि जो आपको चाहिए वो आपको जरूर मिलेगा. पर जितना ज्यादा आप उसके पीछे पड़ोगे, जितना ज्यादा आप उसके पीछे भागोगे, शायद वो चीज आपसे उतनी ही दूर होती जाएगी. सो हैव पेशेंस इज द की फॉर द वीक. या आई होप एरीज दिस हेल्प्स, दिस गिव्स यू द लाइट दैट यू वर लुकिंग फॉरवर्ड टू. वी मूव टू टॉरस. टॉरस में आप लोगों के लिए एज ऑलवेज दो टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूं. देखते हैं ये हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं. एनी थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, एनी थिंग दैट यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू नो एट दिस पॉइंट, वी आर रेडी टू रिसीव द गाइडेंस. टॉरस, ओके टॉरस, आपकी जो की पॉइंट है ना कि आप ना मेहनत में विश्वास रखते हो. यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. आई फील टॉरस दिस इज सच अ स्ट्रांग पावरफुल रीअश्योरेंस एक तरीके का जो भगवान आपको दे रहे हैं इस वक्त कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो. बस अपना काम लगन से, मेहनत से, फोकस से, कॉन्सेंट्रेशन से, अटेंशन से करते जाओ. जैसे आप कर रहे हो आई फील मतलब आपको जरूर उसका फल मिलेगा, आपको जरूर उसका रिजल्ट मिलेगा. इवन दो द सिचुएशन में लुक अ लिटिल डिफिकल्ट, आपको ऐसे लगेगा यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी एफर्ट लगा रहा हूँ, जान दे रहा हूँ कोई चीज को लेके, बट सामने लोग मुझे समझ नहीं पा रहे, ना मुझे अक्नॉलेज कर पा रहे, ना मेरा साथ दे रहे. सो आई फील टॉरस ये जो टाइम है ना, शायद आपको अकेला महसूस होगा,
But trust me, universe wants you to do what you're doing. Even if you are feeling alone, even if you're feeling कि मैं भाई अकेले ही जंग लड़ रहा हूँ, लड़ लो ये हफ्ते अकेले ही जंग लड़ लो, क्योंकि वो आपको ना लीड दे रहा है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स रख रहा है और आपको वो तरक्की जरूर मिलेगी. इस हफ्ते अगर आपको किसी का साथ ना मिले तो उसे निराश मत होइए, डिसअपॉइंट मत होइए, उसको ना अपना पैटर्न मत बनाइए और वो चीज से हटिए मत. मतलब जो आपने टास्क हाथ में लिया ना उससे हटना नहीं है. टॉरस, आई फील द मोर यू नो यू आर वर्किंग, द मोर इंक्लाइंड यू आर टूवर्ड समथिंग, आई फील यू विल गेट एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट. योर एंजल मैसेज इज ऑल्सो ब्यूटिफुल टॉरस, जो है ट्रस्ट योर इंट्यूशन. जितना ज्यादा आपको अगर इंट्यूशन आ रहा है, गट आ रहा है, उसको ट्रस्ट करो, उसकी एनर्जी को, उसकी वाइब्रेशन को. आप जैसे ट्रस्ट करोगे वैसे ही आपका काम आगे बढ़ता रहेगा, वैसे ही आपकी एनर्जीज एक तरीके से अलाइन हो जाएगी. भगवान आपको गाइडेंस दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, तो आपको वो गाइडेंस जरूर लेना चाहिए. अपने आप को जज ना करें. ओके, सो या टॉरस, दिस इज वॉट वी हैव फॉर यू फॉर द वीक. आई रियली होप इट हेल्प्स, गिव्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Move to Gemini, I am pulling out two tarot cards and one angel message for you. Gemini, dekhte hain is hafte tarot, angels, universe aapko kya batana chahte hain. Gemini, ye hafta aapke liye bahut acha hai. I feel cheezein sudharengi, चीजें बेटर होंगी आपके अंदर. एक जो सुकून और शांति के लिए आप बहुत ज्यादा लॉन्ग कर रहे थे ना, वो आपको जरूर मिलेगा. जेमिनाई, दिस इज अ पीरियड ऑफ ग्रोथ, दिस इज अ पीरियड ऑफ यू नो, मतलब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अच्छी खबर, अच्छी न्यूज ये हफ्ते जरूर आएगी. जेमिनाई, जस्ट कीप एन आई ऑन इट, जस्ट टेल द यूनिवर्स दैट यू आर रेडी फॉर इट. मुझे ऐसे लग रहा है बहुत समय का कोई पीड़ा, बहुत समय की कोई परेशानी, बहुत समय की कोई कठिनाई इस वक्त ना शायद एंड हो सकती है और आपको कहीं ना कहीं एक बोलते ना सम रे ऑफ होप इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू लुक एट. आई फील जेमिनी, थोड़ा सा अपने आप को ना मतलब बाहर भी डालो, मतलब अपने आप को थोड़ा सा सोशलाइजिंग, अपने आप को इंजॉय कराओ. आपने ना अपने आप के ऊपर इतनी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस डाल रखी है कि यार नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत सारे आपके अंदर क्वेश्चंस चल रहे हैं. जेमिनी, थोड़ा लाइफ को इजीली लो, इतना स्ट्रेस, इतनी एंजाइटी, इतनी ओवरथिंकिंग नहीं करनी. ऑफकोर्स इस हफ्ते भी दिख रही है ओवरथिंकिंग, बट ऐसा लग रहा है जितना ज्यादा आप फोकस करोगे, जितना ज्यादा आप अपनी एनर्जीज पे अलाइन करोगे, उतना ज्यादा आई फील आप ग्रो करोगे, आपकी एनर्जीज बेटर होगी, आप राइट पाथ में, राइट डायरेक्शन में वॉक करोगे. एग्जैक्टली द एंजल मैसेज, लेटिंग गो इज योर कार्ड. यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू लेट गो एनीथिंग दैट यू हैव बीन होल्डिंग वेरी डेस्परेटली. आपके आपकी एनर्जी के हिसाब से लेट गो ऑफ द ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी. मतलब ऑफकोर्स यू कांट लेट गो योर डिप्रेशन, बट आई फील वर्क टूवर्ड्स फीलिंग बेटर. एटलीस्ट वो नियति रखो. तुम वो नियति नहीं रख रहे हो कि यार मुझे ठीक होना है. वो एक सल्क जोन में इंसान कैसे घुसता जाता है और उसको वो कंफर्टिंग लगता है कि हाँ बस मैं रोता ही रहूं, मुझे यही चीज अच्छी लग रही है. तो ये हो रहा है आपके साथ, आपका ये एक तरीके का ना पैटर्न बन गया है. सो आई फील जेमिनी, यू गॉट टू ब्रेक द पैटर्न. वाई? बिकॉज गॉड इज ब्लेसिंग यू, गॉड इज हेल्पिंग यू टू लुक एट द ब्राइटर साइड दिस पर्टिकुलर वीक. सो या जेमिनी, this is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a great week ahead. We move to Cancer. Cancer, main aap logon ke liye do tarot card aur ek angel message pull out kar rahi hu. Dekhte hain Cancer is hafte universe, angels aapko kya batana chahte hain. Cancer jo pehla card hai woh yahi hai, किसी और की वजह से ना आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, किसी और की एनर्जीज आप पर इस वक्त बहुत हावी हो रही है. आपको पता भी है कि यार मैं फालतू में किसी और की वजह से इतना क्यों अपने ऊपर लोड ले रहा हूं या ले रही हूं, इतना ज्यादा बर्डन, इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग एनर्जी क्यों इतना सारा आप इन्वाइट कर रहे हो, जबकि आपको पता है ये आपकी फॉल्ट नहीं है ए, और बी आपकी एनर्जी नहीं है. आप दूसरों की एनर्जी लेके, मतलब किसी की, मुझे ऐसा लग रहा है दुख भरी दास्तान सुन के आप उसको अपना दुख बना रहे हो. आई फील दैट इज वॉट द केस इट इज, यू नो कैंसर, यू गॉट टू ड्रॉ लाइन्स. अगर आप किसी बाहर वाले से भी मिलते हो ना, तो वो एनर्जी को आप अपने घर में मत लाइए. किसी की, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी का दुख ना सुने, बट मैं ये बोल रही हूँ कि वो दुख को अपना ना बनाए. इस वजह से ना आपको अब इतनी ज्यादा एंजाइटी हो रही है कि भाई रात की नींद तक नहीं आ रही अच्छे से. इतना ज्यादा ओवरबर्डन, इतनी ज्यादा प्रेशर, इतनी ज्यादा पैनिक अटैक्स, आपकी एनर्जी नहीं है ये. तो इस हफ्ते जो यूनिवर्स चाहते हैं वो ये है कि थोड़ा सा अपने आप को क्लेंस करो, अपनी एनर्जीज को क्लेंस करो, इमोशनली अपने आप को हील करो. आप भी कहीं ना कहीं बहुत सारा पास्ट का बैगेज लेके बैठे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है यार मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे
वॉश अवे करना है. तो आई फील थोड़ा सा इमोशनल हीलिंग भी आपको इस हफ्ते बहुत ज्यादा जरूरी है. जस्ट राइट लेटर्स टू गॉड, जस्ट राइट लेटर्स टू यूनिवर्स, यू नो, जस्ट आस्क गॉड टू कम एंड हेल्प यू, कम एंड हील यू, वट एवर यू आर रियली लॉन्गिंग फॉर एट दिस पॉइंट, जस्ट टेल गॉड टू यू नो हेल्प यू गाइड थ्रू. उसके बाद जो आपका मैसेज आया है, एंजल मैसेज, वो ये है कि आपका इनर पावर सबसे स्ट्रांग है. आपके अंदर की जो शक्ति, जो विल पावर होता ना, वो आपकी बहुत अच्छी है. आप उसको ना टूटने दें. आप उससे, मतलब कैसे बोलते ना, इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग, इतनी ज्यादा एंजाइटी, इतनी ज्यादा स्ट्रेस अब आपका विल पावर तोड़ रही है. तो ये ना होने दें कि कोई चीज किसी खुद की है भी नहीं पहली बात, किसी और की प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम बना लिया और उसके बाद अपना ही विल पावर कम हो रहा है. सो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें. कैंसर, जस्ट फोकस्ड ऑन योर इनर पावर, जस्ट बी वेरी श्योर एंड क्लियर ऑफ व्हाट यू वांट एंड व्हाई यू वांट. जैसे आप ये करोगे ना, मुझे ऐसे लग रहा है आधी प्रॉब्लम्स तो आपकी वहीं सॉल्व हो जाएगी, है ना. जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ इज द की फॉर दिस पर्टिकुलर वीक, कैंसर. सो आई रियली होप इट हेल्प्स, गिव्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, ऑल दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. हैव अ ग्रेट वीक अहेड. गुड बाय. वी मूव टू लियो. लियो, मैं आप लोगों के लिए दो टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. लियो, देखते हैं इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं. लियो, जस्ट यू नो वेलकम द एनर्जीज फ्रॉम द यूनिवर्स. लियो, सबसे पहला कार्ड आया है डेविल. इसका मतलब ये है कि बहुत लोगों की नजर है आपके ऊपर, बहुत लोगों की नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज्यादा जेलसी है आपके ऊपर लोगों की. कहीं ना कहीं ऐसा है कि कोई भी काम करने जा रहे हो उसमें रुकावट देख रहे हो या उसमें कोई ब्लॉक देख रहे हो, जबकि ये समय ऐसा है कि यार ये रुकावटें आनी ही नहीं चाहिए थी, मेरा काम बहुत क्लियर है, मेरी सारी चीजें बहुत. अचानक से रुकावटें देखोगे, डिलेज देखोगे, अचानक से आपका बना बनाया काम बिगड़ भी सकता है. तो ये हफ्ते की एडवाइस क्या ली हो आपके लिए, ये हफ्ते की एडवाइस ये है, बहुत ज्यादा म्यूट रहना है. मतलब किसी को अपने बारे में कुछ नहीं बताना है, स्पेशली वर्क एंड पर्सनल लाइफ रिलेटेड कोई भी चीजें नहीं बतानी है. अगर आपका कुछ अच्छा हो रहा है तो प्लीज अपने तक ही सीमित रखें. जैसे आप बता रहे हो उसकी एनर्जी बाहर जाकर बहुत ज्यादा पाउंस हो रही है और उस हिसाब से वो आपको बैकफायर कर रही है. सो आई फील फोकस ऑन दैट, ईज ऑन दैट, एंड यू विल फील मोर कामर, मोर लाइटर विथ एवरी थिंग दैट यू डू फॉरवर्ड. मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा केयरफुल रहना है. और ये एनर्जी बोल रही है यार बैलेंस करो, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करो. आप नहीं कर पा रहे हो, आप एक ही चीज, एक ही दिशा में इतने ज्यादा अटक गए हो, गुम हो गए हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा आपका विजन क्या है, आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है. सो आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग दैट क्लैरिटी इन टू यू. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग दैट बैलेंस इन टू योर लाइफ. अंडरस्टैंड वॉट यू वॉन्ट एंड वाई यू वॉन्ट. जैसे आप ये अंडरस्टैंड कर लोगे, मुझे ऐसा लगता है आधी तो आपकी बैटल, आधी तो आपकी प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाएगी. एंड यू विल बी मोर लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू बेटर थिंग्स, है ना. तो जितना हो सके लियो इस हफ्ते बैलेंस लाना है, अपने अंदर थोड़ी शांति और सुकून भी लाना है. जो आपका एंजल मैसेज है, एंजल मैसेज है क्वाइट टाइम. यूनिवर्स चाहते हैं बस आप अपने आप से थोड़ा सा टाइम लीजिए, अपने आप से शांति में बैठे. जितना ज्यादा आप शांति में बैठोगे ये हफ्ते ना, आप अपना इनर वर्क कर सकोगे. आपको समझ आएगा एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कैसे चाहिए. एक जो आप रास्ता खोजने की कोशिश करो ना, आई फील वो आपके अंदर ही है. ऑल दैट यू नीड टू डू इज जस्ट सिट क्वाइटली विथ योर सेल्फ, जस्ट अंडरस्टैंड एंड नो योर सेल्फ बेटर. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है इतनी सारी चीजें आपके अंदर से बाहर आना चाहती है, बट आप बाहरी दुनिया में इतने ज्यादा उलझे हुए हो कि अपने अंदर झांक कर नहीं देख रहे हो. सो गॉड, यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू ब्रिंग दैट एनर्जी, ब्रिंग दैट वाइब्रेशन, ब्रिंग दैट फोकस टू योर ओन सेल्फ एट दिस पॉइंट. सो या, दिस इज वॉट वी हैव फॉर यू. आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, ऑल दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. हैव अ ग्रेट वीक अहेड. वी मूव टू वर्गो. वर्गो, मैं आप लोगों के लिए दो टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. वर्गो, देखते हैं इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं. वर्गो, जो पहला कार्ड आया हुआ है वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं यार किसी की हेल्प लीजिए, कहीं ना कहीं किसी की सहायता लीजिए. आप सारी चीजें खुद से करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी सही है, बट कहीं ना कहीं किसी का आपको ना थोड़ा सा एक हाथ चाहिए, किसी की एक गाइडेंस चाहिए. मैं बताऊंगी, ऑफकोर्स ये हफ्ते वर्गो आपका जो सेंस ऑफ क्लैरिटी, सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो अमेजिंग है. आपको पता है आपको क्या चाहिए, यू नो दैट इज द बेस्ट पार्ट. सो आई फील आपका विजन, आपकी एनर्जी, आपकी एंथुजियाज्म बहुत परफेक्ट है ये हफ्ते. आपको सब कुछ क्लियर है, बट कहीं ना कहीं किसी का साथ मिलने से ना ये काम जल्दी हो जाएगा, ये काम आपके लिए आसान हो जाएगा. आई फील उतना ज्यादा आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और भरोसा आएगा. ओवर टाइम ना आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है, ओवर टाइम ना आपने अपने ऊपर भरोसा
साथ तोड़ दिया है. सो आई फील विथ टाइम यू आर गेटिंग बेटर विच इज अ ग्रेट साइन वर्गो. आई फील यू आर रियली यू नो लुकिंग फॉरवर्ड टू बेटर डेज. वो डेफिनेटली दिख रहा है. ये कार्ड हमें यही बता रहा है कि यार इस वक्त जो आपका सेंस ऑफ क्लैरिटी है वो आपकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है. मैं बताऊंगी इसको एनहांस करने के लिए थोड़ा सा ये हफ्ते जर्नल करो. जर्नल करो, अपने आप को समझो, अपने आप से पूछिए कि मे बी इन द कमिंग ईयर व्हाट इज दैट वन थिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. मे बी यू नो इन नेक्स्ट सिक्स मंथ्स वेयर डू आई वॉन्ट टू बी एंड हाउ डू आई वॉन्ट टू बी. थोड़ा सा अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करें, जर्नल करें. यू विल हैव द बेस्ट एनर्जीज विद इन एंड यू विल बी सो अमेजिंगली प्राउड ऑफ योर सेल्फ. क्यों? क्योंकि एंजल्स भी आपको गाइडेंस यही दे रही है कि योर प्रॉब्लम इज रिजॉल्व. जो भी प्रॉब्लम आप शायद बहुत समय से लेकर बैठे थे ना, जिसका आपको अंत नहीं नजर आ रहा था, दिस इज द टाइम यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट यू नो योर प्रॉब्लम इज रिजॉल्व. नाउ इट्स अ न्यू जर्नी, न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ विच इज गोइंग टू बिगिन pretty soon and I want you to be all heart for it, all enthu for it, ताकि आप ये चीज को बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में जगह दें और वेलकम करें. सो मेक श्योर टू जर्नल अ लॉट दिस पर्टिकुलर वीक, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है मैं चाहती हूँ आप उसको एनहेंस करें. आपकी क्लैरिटी, आपका डायरेक्शन अमेजिंग टू द टी ऑन पॉइंट. सो जस्ट फोकस ऑन दैट एंड कंटिन्यू डूइंग वॉट यूर डूइंग. सो या दैट इज वॉट वी हैव फॉर यू वर्गो. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Libra. Libra, मैं आप लोगों के लिए दो tarot card और एक angel message pull out कर रही हूँ. Libra, देखते हैं इस हफ्ते tarot, angels, universe आपको क्या बता रहे हैं. Libra, I am pulling out two tarot cards and one angel message. Amazing card, Libra, Wheel of Fortune. Wheel of Fortune, आपको पता है ये आपकी energies एक 360 degree में turn करने की शक्ति रखता है. आपका luck, आपकी energies इस वक्त आपका favor कर रही है. तो जहां भी आपका दिल करे ना जो चीज करने के लिए उसको रुकिए मत, उसको stop मत कीजिए. मैं बता रही हूँ, दिल खोल के काम कीजिए, दिल खोल के मेहनत कीजिए, उसका नतीजा, उसका फल आपको जरूर मिल रहा है. स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे टिल द 4th of November मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इस वक्त रुकना नहीं है, हारना नहीं है, घबराना नहीं है, बस अपने ऊपर भरोसा रखें. अगर थोड़ी सी अप एंड डाउन भी आ रही है ना, उसको एज पार्ट ऑफ द जर्नी लेके आगे बढ़ना है. मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा अगर आपको डाउनफॉल आ जाता है ना, आप अपना पावर एक सेकंड में खो देते हो. सो यू नो व्हाट लिब्रा, यू डोंट हैव टू डू दैट. यू हैव टू बी सो मच मोर कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ. यू हैव टू लाइक रियली अंडरस्टैंड योर पावर, योर मोटिवेशन. बहुत सारी न्यू आइडियाज आ रही है. ऐसा लग रहा है एक तो पहली बार आपका प्लेट ना फुल है. देर आर टू मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू लुक एट दिस पर्टिकुलर वीक. आई फील यू विल मैनेज. जो मल्टीटास्क आप करो बहुत सही करो. तो इस वक्त जो भी मल्टीटास्क है, ए बी सी तीन चार चीजें हैं शायद आपके पास, और वो आप सही करो. कोई भी चीज में लैक नहीं करो. देयर इज ग्रेट बैलेंस, देयर इज ग्रेट एनर्जी, बट अपनी आइडियाज को दबाना नहीं है. यू नो ये चीज आप यहां पर फिट कर ले. जहां जहां जो जो दिल कर रहा है ये हफ्ते प्लीज करें. अपने मन, अपने दिल को ना मारें. क्यों? क्योंकि आपको वहीं से खुशी, आपको वहीं से जॉय, आपको वहीं से सक्सेस मिलेगा. मेकिंग न्यू फ्रेंड्स इज अ न्यू एनर्जी. कहीं ना कहीं नए लोग आएंगे आपकी लाइफ में, आपको साथ देंगे, आपको ग्रो करने में मदद करेंगे. उनसे सोशलाइज करके भी शायद आपका थोड़ा मन हल्का होगा, थोड़ा सा दिल खुलेगा. मुझे ऐसा लग रहा है एनर्जीज इतनी अच्छी है ये हफ्ते आपके लिए कि उसको ना और ज्यादा अबंडेंस में कन्वर्ट करें, और ज्यादा अबंडेंस में बदलिए, ताकि भगवान को बोलिए आई एम रेडी टू रिसीव. ओके लिब्रा, दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यू. आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, ऑल दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. हैव अ ग्रेट वीक अहेड. We move to Scorpio. Scorpio, मैं आप लोगों के लिए as always दो टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. स्कॉर्पियो, देखते हैं इस हफ्ते टैरो एंजल्स आपको क्या मैसेज देते हैं. स्कॉर्पियो, थोड़ा सा ना हेल्पलेस एनर्जी फील हो रही है. मतलब ऐसा लग रहा है सब करने के बाद भी क्या फायदा, सब करके भी क्या ही मिला. थोड़ा सा वो वाली एनर्जी आई हुई है. स्कॉर्पियो, इस हफ्ते कोई भी चीज में ना लड़ाई वाली चीज में हाथ ना डालें, क्योंकि वो आपको सक्सेस नहीं, विक्ट्री नहीं, वो इनफैक्ट आपको ब्रेक करा देगा. जहां आपको ऐसे लग रहा है कि आर्ग्यूमेंट है, झगड़े हैं, नेगेटिविटी है, दो कदम पीछे हो जाइए. स्कॉर्पियो, जैसे आप दो कदम पीछे हो जाएंगे ना, आपको मन की शांति मिलेगी. आई फील किसी थर्ड पर्सन को बीच में बिठाकर चीजें सॉल्व करना एक अच्छा तरीका है. अगर एज कपल आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है या कोई आर्ग्यूमेंट्स है जो काफी लंबे समय से बस खिंचती जा रही है, ड्रैग होती जा रही है, आपको नहीं समझ आ रहा है इसका क्या करना चाहिए, आई फील स्कॉर्पियो द टाइम इज राइट टू इन्वॉल्व अ थर्ड पर्सन इन टू योर
एनर्जी इनटू योर लाइफ. जैसे आप किसी और को बिठाकर बातें करेंगे, समझाएंगे, आपकी जो हेल्पलेस एनर्जी है ना वो खत्म हो जाएगी. आपको ऐसे लगेगा ओके अब मुझे रास्ता मिला, अब मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे क्या करना चाहिए. मे बी यू नो गोइंग टू अ काउंसिलर, मे बी यू नो ब्रिंगिंग अ फैमिली मेंबर और अ फ्रेंड, और मे बी गेटिंग अ पर्सनल टैरो रीडिंग, जो भी आपको सही लगता है वो कंसिडर कीजिए. कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है आपको ना रास्ते की सख्त जरूरत है. आपको ना आगे लाइफ में बढ़ना है पर एक ब्लॉक आके बैठा हुआ है. ये ब्लॉक को कैसे निकालें ये आपको समझ नहीं आ रहा है. इसके लिए आपको किसी थर्ड पर्सन की सहायता जरूर लेनी चाहिए. वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आपको आगे का रास्ता दिखाएगा. आपका जो भी डर घबराहट ना, जो हेल्पलेस एनर्जी मैं बोल रही हूं ना, वो ब्रेक कर देगा और आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लग जाएंगे. एंजल मैसेज है आपका इनर चाइल्ड. अपने इनर चाइल्ड को फोकस कीजिए, उसको भूलिए मत. छोटी छोटी चीजों में आई फील खुशियां ढूंढना स्टार्ट कीजिए. जहां भी आपको ऐसा लग रहा है यार मेरा मन अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा फील हो रहा है, मुझे हैप्पी फील हो रहा है, यू नो अक्नॉलेज दैट एंड लिसन टू दैट एनर्जी एंड दैट विल ओपन सो मेनी न्यू वाइब्रेशंस पॉसिबिलिटीज फॉर यू दिस पर्टिकुलर वीक. सो यार दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यू. आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, ऑल दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. हैव अ ग्रेट वीक अहेड. वी मूव टू सैजिटेरियस. सैजिटेरियस मैं आप लोगों के लिए दो टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. सैजिटेरियस देखते हैं ये हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं. लेट्स बिगिन. सैजिटेरियस ये जो कार्ड है ना ये बोल रहा है अब थोड़ा टाइम है कि पीछे मुड़कर देखिए, यू नो अपने ऊपर रिफ्लेक्ट कीजिए. यार मैंने ये किया और मुझे इसका नतीजा इतना मिला. मैंने किसी रिलेशन में इतना ज्यादा ध्यान दिया, इतना ज्यादा एफर्ट दिया और उसमें मुझे मिला क्या. मैं चाहती हूं आप ये सब इस हफ्ते पर्टिकुलरली बैठ के थोड़ा सोचें. क्यों? क्योंकि आपके अंदर ना एक डलनेस आ गया, आपके अंदर ना एक नेगेटिविटी आ गई. अब आपको ना कोई भी चीज वो दिल से नहीं करो. जैसे आप ये ब्लॉक, ये प्रॉब्लम फाइंड कर लोगे ना ये पर्टिकुलर हफ्ते, जिसकी एनर्जी अच्छी है, जब आप मेहनत करोगे आपको वो ब्लॉक जरूर मिलेगा. उसके बाद आई फील एक न्यू एनर्जी ओपन होगी. आपको समझ आएगा कि यार बस हो गया, अब मेरा ना कुछ नया करने का टाइम है, कुछ अच्छा करने का टाइम है. मे बी यू नो यू हैव अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी राइट इन फ्रंट ऑफ यू, मे बी यू हैव अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी राइट इन फ्रंट ऑफ यू. ऑल यू नीड टू डू इज कंसिडर इट. मैं बता रही हूँ क्योंकि अब तक आप जो कर रहे हो ना वो सेंस नहीं बना रहा है. वो आपको मतलब हैप्पीनेस तो बहुत दूर की बात, सक्सेस ग्रोथ कुछ नहीं दे रहा है. तो ये जो टाइम है आपका वो राइट है. कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसे लेकर आगे बढ़ो. रिस्क लेने का टाइम है. अभी नहीं लिया तो कभी लिया, ये ऐसा वाला कार्ड है. यू नो अभी नहीं लिया तो कभी नहीं लिया, लिटरली ऐसा है. तो आई फील ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है. अगर ऊपर वाला आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, कोई रास्ता दे रहा है, कुछ नई चीज एक्सप्लोर करने की, यू नो अगर आपकी बारी है तो उसको कंसिडर करके आगे बढ़िए. डर और घबराहट को इस वक्त पीछे छोड़ दिए. आई फील आपका कॉन्फिडेंस है एंड यू कैन रियली डू इट वेरी वेल. अपने ऊपर भरोसा करके एक बोलते ना लीप ऑफ फेथ ले लीजिए ये हफ्ते. उसके बाद एंजल मैसेज है फॉलो योर ड्रीम्स, यू नो जस्ट लुक टू व्हाट यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू. अपनी जो भी ड्रीम्स है, जो भी इच्छाएं हैं उसको चेज करते रहिए. दिन ब दिन आप अपने अंदर थोड़ा सा झांक कर देखिए, अपने आप से पूछिए एग्जैक्टली क्या चाहिए, कैसे चाहिए, एंड यू विल बी राइट वेयर यू वॉन्ट टू बी. सो या This is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a great week. We move to Capricorn. Capricorn, as always, I'm pulling out two tarot cards for you and one angel message. Capricorn, देखते हैं इस हफ्ते tarot angels universe आपको क्या बताना चाहते हैं. Capricorn, two tarot cards, one angel message. Okay, Capricorn, it starts with a very beautiful message for you saying that you know there is something that's coming to an end. कोई भी चीज जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करी थी, बहुत ज्यादा बॉदर करी थी, बहुत सारे मतलब एक तरीके का ट्रबल दे रही थी, वो चीज अब खत्म होने वाली है. उसको लेट गो करो, जाने दो और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में. कोई चीज को जितना ज्यादा आप पकड़ने की कोशिश करो वो उतना ही ज्यादा शायद आपको बैकफायर कर रही है. यू नो इट इज अ टाइम फॉर अ न्यू बिगनिंग. ध्यान से सुनिएगा, ये कोई न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आना चाहती है बट आप उसे डर कर हटाने की कोशिश कर रहे हो. नहीं नहीं नहीं, बट इट इज अ टाइम वे यू नो टेक द लीप ऑफ फेथ एंड लेट गॉड हेल्प यू इन ऑल दैट यू आर लॉन्गिंग फॉर. दिस इज अ कार्ड Capricorn जो हमें बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक्शन लीजिए, एफर्ट लीजिए. अगर आपको कोई रास्ता दिख रहा है तो प्लीज उस पर मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए. यूं हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा.
जितना ज़्यादा आप हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे, आपकी एनर्जीज उतनी ज़्यादा ब्लॉक होंगी, उतना ज़्यादा आप अपने ऊपर डाउट करने लगेंगे। तो अगर कोई रास्ता दिख रहा है, अगर कोई नई शुरुआत दिख रही है, उसको रिसर्च कीजिए, उसके बारे में समझिए, उसके प्रोस कॉन्स क्या है। स्पेशली अगर कोई रिलेशनशिप है, मुझे ऐसे लग रहा है कोई रिलेशनशिप को आपको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी है ना बढ़ चुकी है। जैसे आप वो ख़त्म करेंगे, आपको कोई न्यू रिलेशन ज़रूर आपके दरवाजे पे खड़ा है लेजिट। तो उसके प्रोज एंड कॉन्स इवेल्यूएट कीजिए, उस पर एक्शन लेके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जो भी अंदर आप पीड़ा, जैसे मैं बोलती थी ना, एक तरीके का दुख लेके बैठे हैं ना, उसको डिटॉक्सिफाई करने का समय आ गया है। उसे अंदर से निकालिए, अपनी जो भी नेगेटिविटी है, जो भी भड़ास है, जो भी यू नो आप लेके बैठे हैं ना एनर्जीज, उसको डिटॉक्सिफाई कीजिए। जस्ट वेलकम न्यू एनर्जीज, ब्राइट एनर्जीज इनटू यू एट दिस पॉइंट। यू नो इट कुड ऑल्सो मीन, जैसे मैंने रिलेशनशिप के लिए बोला, अगर वर्क भी है, बहुत टॉक्सिक कल्चर है, प्लीज यू नो देर इज समथिंग न्यू अराउंड यू, वाई डोंट यू कंसिडर इट। सो वट एवर रेजनेट्स विथ यू, प्लीज टेक दैट अप, प्लीज टेक दैट एनर्जी एंड वेलकम द एनर्जी इन योर लाइफ। ये हफ्ते जो भी आप इतने टाइम से मतलब लेते जा रहे हो, सोक करते जा रहे हो ना, उसको रिलीज करो, उसको लेट गो करो, डिटॉक्सिफाई करो अपनी एनर्जी एंड वेलकम द बेस्ट एनर्जीज, वेलकम द पॉजिटिव एनर्जीज इन योर लाइफ। सो या, दिस इज वॉट वी हैव फॉर यू। आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, ऑल दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। हैव अ ग्रेट वीक अहेड। वी मूव टू एक्वेरियस। एक्वेरियस, आई एम पुलिंग आउट टू टैरो कार्ड्स एंड वन एंजल मैसेज। एक्वेरियस, देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है। टू टैरो कार्ड्स, वन एंजल मैसेज। एक्वेरियस, इट इज अ टाइम जहां पर ना आप थोड़ी सिक्योर फील कर रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है यार, मैं जो चीज की बहुत मतलब जी जान से तमन्ना थी, जी जान से इच्छा थी कि बस कोई अपना कहे, कि एक सेंस ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी मिले, लव मिले, आपको वो मिल रहा है ये हफ्ते। यू नो, इससे ज्यादा आपके लिए कोई चीज शायद इंपॉर्टेंट नहीं थी। देर इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, देर इज अ सेंस ऑफ एनर्जीज विच इज मेकिंग यू फील वेरी वेरी कंफर्टेबल। मुझे ऐसा लग रहा है ये हफ्ता एक्वेरियस आपके लिए बहुत अच्छा है। वर्क वाइज भी काफी एनर्जीज सुधर रही है, काफी एनर्जीज बेटर हो रही है, काफी एनर्जीज ग्रो हो रही है। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट बी मोर अलाइंड, मोर फोकस्ड। थोड़ा सा एक्वेरियस स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट करो, अपने आप को थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में ढालो। कहीं ना कहीं दिन में 15 मिनट ही सही, जो शक्ति, जो ईश्वर, जो भगवान में आप यू नो भरोसा रखते हैं, जो भी आपका एक जोन ऑफ पावर है ना, उस पर थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए। चाहे प्रे कीजिए, चाहे चैंट कीजिए, चाहे मेडिटेट कीजिए, जो आपका बस चले, बट आपको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां से आपको बहुत एक फोर्स ऑफ पावर आता है, और वो फोर्स ऑफ पावर ना ये पर्टिकुलर हफ्ते आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा आप वो एनर्जीज को वेलकम करोगे, जितना ज्यादा आप वो एनर्जीज को, मुझे ऐसा लग रहा है उतना ज्यादा आपको पावर, उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस, उतना ज्यादा आपको ग्रोथ आएगा। मॉनिटरीली भी मुझे ऐसे लग रहा है चीजें सुधर सकती है, चीजें बेटर हो सकती है। आप बस वो रास्ते को वेलकम करके आगे बढ़ते जाइए। उसके बाद एंजल मैसेज भी ये है, आप के ड्रीम्स कमिंग ट्रू, यू नो ड्रीम्स कमिंग ट्रू विच इज अ ब्यूटिफुल मैसेज। जो भी आपने सपने अपने लिए बुने हैं ना, वो शायद आपके आंखों के आगे सच होना चालू हो जाएंगे ये हफ्ते। कहीं ना कहीं कोई अच्छी खबर, अच्छी न्यूज, अच्छी वाइब्रेशन आपको आ सकती है, जो आपको बहुत अच्छा दिलासा देगी, बहुत अच्छी एनर्जी वाइब्रेशन। आपको ऐसे लगेगा हाँ, अब मुझे और बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में, अब सेटल यहाँ नहीं होना है, इससे आगे वाले स्टेप्स पे चढ़ते जाना है। सो या, दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यू एक्वेरियस। आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, ऑल दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। हैव अ ग्रेट वीक अहेड। वी मूव टू पाइसीज। पाइसीज, आई एम पुलिंग आउट टू टैरो कार्ड्स एंड वन एंजल मैसेज। देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स, टैरो, ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। टू टैरो कार्ड्स एंड वन एंजल मैसेज। लेट्स सी व्हाट दिस वीक लुक्स लाइक। किसी के पावर, किसी के डोमिनेंस की वजह से ना अपने आपको इतना डाउट मत करो। मुझे ऐसा लग रहा है यार, आप इतना कुछ कर सकते हो, बट कोई आपको नीचा दिखा रहा है, या कोई आपको रूल करने की कोशिश कर रहा है, या आप खुद पे इतना ज्यादा बर्डन लेके बैठे हो कि आप खुद ही काम नहीं कर रहे हो। देर इज समथिंग दैट स्टॉपिंग यू, देर इज सम ब्लॉक दैट यू आर फीलिंग एंड फेसिंग राइट नाउ इन योर लाइफ, स्पेशली इन योर वर्क। तो कोई भी चीज आपको रूल, नेगेटिव, लेजी फील करा रही है, उसको हटाओ। ऑफकोर्स थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लग रही है, थोड़ा सा कैसे कह रहे हैं, अपने आपको ज्यादा पुश करने लग रहा है, थोड़ा सा जगल करने लग रहा है, बट आप कर लोगे। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है कि बहुत ज्यादा
पीड़ा दे, बहुत सारी नेगेटिविटी आए, मुझे ऐसा लग रहा है इनफैक्ट आपको मल्टीटास्क करना चाहिए, एक साथ तीन चार चीजें लो अपने टेबल पे और उसको कंप्लीट करने की एक टास्क टू डू लिस्ट बनाओ। आपका विजन जैसे थोड़ा क्लियर होगा, जैसे आपकी एनर्जी थोड़ी क्लियर होगी, उतना ज्यादा आप अच्छे मेहनत कर पाओगे, उतना ज्यादा अच्छा आप ग्रो कर पाओगे। बिकॉज ये जो कार्ड है ना, ऐसा लग रहा है यार आपके पास पावर है, बट आप किसी और की वजह से वो सारा पावर ऐसे छोड़ के भाग रहे हो, यू नो, सो डोंट डू दैट। यू नीड टू बी मोर अलाइंड, मोर इन सिंक विथ योर एनर्जीज, विथ योर वाइब्रेशन, एनवायरमेंटल अवेयरनेस। अवेयर रहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है, मतलब कोई अगर आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है ना, तो उसमें गिविन मत कीजिए। हाँ ठीक है, उसने नहीं करा, ये समझ के आप काम कीजिए। किसी की वाइब्रेशन अगर आपको नहीं अच्छी लग रही है, तो उसे एक्नॉलेज कीजिए। भगवान शायद आपको रास्ता बता रहे हैं, भगवान शायद आपको इंट्यूशन दे रहे हैं, बट आप बार बार आंख पे यूं पट्टी बांध के आगे बढ़ते जा रहे हो। सो नो, बींग अवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट बींग अवेयर ऑफ वॉट इज हैपनिंग अराउंड यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर वीक फॉर यू पाइसिस। सो आई रियली होप इट helps, brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye.